हेलो गाइस, मैं सरिता आप सभी की स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सरिता नई व्लॉग पे। और आज हमारे बाबू को देखो, वहाँ सो रहा है। उस बाबू कहाँ सो, देख रहा है, देखो कितना मस्त कपड़ा पहना है बाबू। इधर देखो लल्ला। तो आज हमारे बाबू का हुआ है 5 मंथ कंप्लीट। तो इस खुशी में हम जा रहे हैं मुक्तागंज घूमने जा रहे हैं। देखो सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप सब ना ये वाला व्लॉग पे बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। हम कहाँ कहाँ जाते हैं आप सबको दिखाते हैं। मतलब मुक्तागंज 2016 में गए थे और उस टाइम तो उतना खास नहीं बना था। और अभी जाकर देखते हैं कितना अच्छा हो गया है, क्या क्या चेंजेस आ गई है। हम सब जाकर देखेंगे वहाँ, बहुत इंजॉय करेंगे। डिम्पी, हाँ डिम्पी, क्या खा रही है? देखिए हम पहुंच गए हैं मुक्तांगन और आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है। और ये देखिए बाबू सो गए, ये देखिए बाबू सो गए। और इन्हीं को घुमाने लाए हैं। बाबू को फर्स्ट बार घूमने आए हैं हमारे साथ। और जब वो 1 साल का हो जाएगा तो वो मेरे साथ ही घूमेगा, जैसे डिम्पी मेरे साथ घूमते हैं वैसे। तो पानी ले डाली हुई है, हाँ हो जाएगा। ये देखिए इसका काम, बच्चे लोग के कारण वो चप्पल पहनना भूल गई है। लो अब क्या बोलोगे, ऐसी चलेगी वो घर से बिना चप्पल का ही है। हे भगवान, सिम्पी तेरी मम्मी बिना चप्पल का ही है कैसे? ये देखो चप्पल नहीं लाई, इतनी जल्दी जल्दी रहती उसे कि देखो वो चप्पल है ना। कितना अच्छा मौसम है ना। ये देखिए हम मुक्तांगन पहुंच गए, अंदर जाके आप सबको वीडियो कर। ये भाभी दीदी और मेरी छोटी बहन आगे आगे है, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी इधर देख, दिख नहीं रही है। ये देखिए हम तीनों पीछे पीछे, ये हम दोनों का साथ छोड़ती नहीं है, हमारे साथ ही रहूँगी बोलती है। पता नहीं इसे क्या मजा आता है, हम लोगों के साथ को क्या मजा आता है। तो हम कुछ आगे लगता है, अंदर आप सबको दिखाते हैं पुरखौती मुक्तांगन। लीजा कहाँ ही है, कहाँ ही है मुक्तांगन? ये तो हम पहुंच चुके हैं मुक्तांगन। आप सबको अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाती हूँ। और जो जो आ गए हैं वो भी देखना क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, जरूर बताना मेरे को। और ये देखिए वो इसीलिए हंस रही है, पता नहीं क्यों हंस रही है। कपड़ा भी पहने करके वो हंस रही है, वो पहली बार देखी है लगता है। खुद ही क्या कैसे कर दी? तो आते ही इतना ज्यादा हंसी आ रहा है। कहाँ है बेटा, कहाँ आए हैं? घूमू आए हैं ना? कैसे बाबू, कहाँ है बेटा? ये ले फिर से हाथ, इधर देखो बेटा। लीजा देख रही, लीजा क्या कर रही? लीजा और हमारी डिम्पी को क्या खाने मिल गया? तो मेरे हस्बैंड के लिए मैं खाना चावल सब्जी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये दोपहर को खाते हैं, खाना नहीं खाए थे। और आते आते हमें ना 2:02 बज गए। कहाँ जाते बाबू? या हंस रहे हंस दे बेटा, हंस दे लल्ला। नहीं हंसेगा कैसे? कुछ बोलना चाहते हो जी? कैसा लग रहा है यहाँ के दोबारा? पहले हम लोग फर्स्ट बार आए थे तो ये सब नहीं था ना जी। हम लोग बहुत पहले आए थे, 2016 में आए थे। चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ये सब कुछ भी नहीं बना था जब हम आए थे तब, और अब देखो कितना चेंज हो गया है। देखिए फ्रेंड, हम फाइनली पहुंच गए और यहाँ घूमते घूमते हमें भूख लगी है। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं कढ़ी सब्जी में, और बड़ा वाला कढ़ी सब्जी है देखिए। तो ये सलगा बड़ा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सलगा बड़ा खाता ना मन, सलगा बड़ा देख ले। पुरखौती मुक्तांगन में आके मन है
छत्तीसगढ़ के फेवरेट पेंट काखा था सलगा बड़ा, सलगा बड़ा। ये देखो नहीं चलो खाओ तो ये इसके लिए मैं लेकर आई थी। हम तो सब खा कर आए थे घर से, यही नहीं खाए थे तो खा रहे हैं और सब इधर बैठे देखिए। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है ना लीजा। ये ब्यूटीफुल देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी लीजा, ये लीजा है ना। क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि झोला खाना खा लिया हूँ तो टेंशन दे रहा है झोला पकड़े पकड़े। मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इसको थैला पकड़ा देती हूँ तो वो बोल रहा है सोन परी रहते तो अपने कार में रख के आ जाते हूँ बोल रहे हूँ। चलो मेरे संग संग चल मेरे दिल में हुई हलचल। हमारी डिम्पी पहाड़ पे चढ़ गई, इसे पकड़ लेती हूँ चलो। कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं इसको खुशी हुई कि नहीं हुई। इतना प्यारा मैं इसके लिए फूल तोड़ कर दी हूँ, कितना खूबसूरत फूल है दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत कलर का फूल है, इसको अच्छा ही नहीं लगा, अच्छा ही नहीं लगा, अच्छा ही नहीं लगा। ये क्या है, इसमें क्या डांस हो रहा है, बाजा बजा थे। थैंक यू थैंक यू, क्या रही है? अरे वाह वेरी गुड, थैंक यू। तो ये है सुआ नित्य, देखिए यहाँ बाजा बजाते हुए और यहाँ लेडीज लोग नृत्य करते हुए। सामने से आप सबको दिखाती हूँ, मैं तो आई थी तो इसे नहीं देखी थी, शायद घर नहीं आ पाए थे या फिर बना नहीं था, पता नहीं, ये वाला मैं नहीं देख पाई थी। तो आप सब बताना ये कब बना, अगर कोई जानते होंगे तो। मैं जब 2016 में आई थी तो ये नहीं थी, या फिर हम इस साइड आए नहीं थे, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारा नया नया बना वैसे लग रहा है मुझे। पुराना घर, कितना साल पहले का घर है जहाँ पे गैया दूध पी रही है अपने का। और ये देखो एक लेडीज है जो अपना घर आई है, ताला लगा हुआ है और बच्चे अपनी माँ को देखी तो इससे रहा नहीं गया, ये लकड़ी लेकर आ रही है इसकी मम्मी, और बच्चे से रहा नहीं गया तो आते ही इसे गोद में ले ली, लकड़ी भी नहीं उतारी है और गोद में ले ली, और दरवाजे पे ताला लगा है। तो ये है हमारा पुराना घर। मेरी दादी है क्या ये, मेरी दादी है क्या? ये मैं हूँ डिम्पी, और ये तो ये नानी है। कैसे से बैठ गई, अपना घर है ना, और घर पे पहले सबके यहाँ ये परकी परेवा मिठू रहते थे, और इसकी हालत अभी बहुत खराब हो गई है, टूट टूट रहा है देखिए। तो ये है हमारा मिठू, वो क्या है क्या पता, ये हमारी माँ गौ माता, और बहुत सारे बंदर देखो, ये मछली है और उधर बंदर लटका हुआ है, उधर नहीं जाएंगे हम, चलो उधर से आओ, अपने मम्मी आ रही उधर से। ये देखिए ये लेडीज यहाँ पे बैठी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है, और हम यहीं पे बहुत सारा फोटो और रील्स बनाए। और जो जो मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ जाकर फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सरीनी सात, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप सब मुझे प्यार दिखाइए और मेरा इंस्टाग्राम। मौसम इतना रोमांटिक है, इतना रोमांटिक है क्या बताओ, सुबह से धूप नहीं निकली है एकदम, जब से हम लोग घूम रहे हैं ऐसी बदली है। देखो मेरे हस्बैंड तो मोबाइल में बिजी हो गए हैं, और आप सब ये वाला व्लॉग लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना, और मैं आगे आप सबको दिखाते रहूँगी। ये देखिए रोमांटिक मौसम है, और ये छोटा छोटा जामुन फले हुए हैं हवाओं की तरह। ये रहा खूबसूरत झरना, लेकिन इसमें अभी पानी वानी कुछ नहीं है। और देखिए डिम्पी लीजा कैसे मस्त खेल रही है, यही साइड आई है तब खेल रही है, उतना देर से वो खेल नहीं रही थी। और नीचे में पानी भी है रे,
लाइट रात में सारे भालू देख कर भी टूटा जाली मुंडी को तो ये भी हम आए थे तब नहीं बना था, ये कब से बना है पता नहीं, लेकिन जब हम आए थे तो ये वाला नहीं बना था। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये हमारा बाबू कैसे सो के खेल रहा है, खूबसूरत इसमें पानी गिरता रहता तो बहुत प्यारा लगता। और मेरे हस्बैंड और डिम्पी उधर जा रही है, मैं भी जाकर देख कर आती हूँ क्या है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को कहीं ना कहीं फ्रूट मिल ही जाता है। अब देखिए मेरे को एक नया फ्रूट मिला है जो है, कहीं भी आती हूँ मेरे को फ्रूट पेड़ नज़र आ जाता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। ये देखिए, ये है चिरई जामुन, जिसे हम लोग चिरई जामुन बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, और इसे बोलते हैं जामुन जो पका नहीं है, कुछ कुछ पका है कुछ कुछ नहीं पका है। तो आप सबको दिखाती हूँ, ये देखिए छोटा वैरायटी का, ये देखिए छोटा वैरायटी का जामुन है। ये कितना सारा फला है, बहुत ज़मीन पे भी गिरा है, तो मैं इसे तो लुपी डुपी के लिए ले जाती हूँ। देखिए मेरे हस्बैंड फ्रीजर से पानी लेके आ गए, अब हम घर वापस जाते हैं। बहुत वीडियो बना लिए हैं, आप सब मेरा ना इंस्टाग्राम का वीडियो देखना, बहुत मज़ा आया वीडियो बनाने में और फ़ोटो खिंचवाने में बहुत मज़ा आया। तो अब मैं पूरा देहाती गांव में जो देखिए क्या आमचो गांव में आ गए हैं। देखिए सब तरफ पूरा गाँव नज़र आएगी आप सबको। मेरे हस्बैंड बाजा बजाने के लिए, चलो बजाने लग जाओ। हाथ में मत लाना, मुंह में पानी। देखिए हम आ गए हैं एक बस्तर के छोटे से गांव में, आमचो बस्तर, जो मुक्तांगन के एक जगह पे है। हम दिखा देते हैं आपको, तो ये है वो गांव। यहाँ से हम अंदर जाते हैं और ये गए हम, ये देखिए ये गांव। स्वागत है आप लोगों का मेरे घर में। छोटा सा घर हमारा, बड़ा जगह पे बड़ा है ना, कि कितना भी घूमो, हम 2 बजे से आए हैं, घूम ही रहे हैं, घूमते घूमते 5 बज गए फिर भी एंड ही नहीं आए हैं। इतना सारा देखो ना, बहुत बड़ा जगह पे बना ही है मुक्तांगन, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप आओगे ना कभी घूमने तो आप लोग आना यहाँ सुबह 10 बजे से, तभी घूम पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा है। घूमते घूमते हमें मौसम भी सुहावना, और ये देखिए इतना अच्छा नज़ारा, ऐसा लग रहा है हम लोग गांव में ही आ गए। और ये देखो पत्थर पत्थर का गांव, और ये वाला गांव देखो ऐसे रहता है हमारे मैनपुर साइड। आप लोग कभी आना हमारे मैनपुर साइड, सेम ऐसे का घर बना रहता है, सेम ऐसे याद आ रहा है, ऐसे का बना रहता है हमारे घर तरफ, सेम ऐसे। तो देखिए कितने गांव में आए हुए हैं हम, हाँ ऐसे बना रहता है हमारे गांव तरफ, ऐसे जगह जगह जंगल मन में पुनः बैठे वर बनाए बनाए रहते हैं। तो बाप रे घूम ही नहीं पाएंगे, ऐसे लग रहा है इतना बड़ा है, कुछ कुछ घूम रहे हैं कुछ कुछ नहीं, कुछ तो छूट ही जा रहा है। और ये क्या है, हाथी घोड़ा गाड़ी बैला, ये देखो क्या है, आदिवासी लोगों का भगवान बोल रहे हैं। भदवन भाजी तो रहते वो तो दिखात नहीं है, एक नहीं खोई थी। तो ये है जतरागुरी जनजाति ग्राम। हम जो बस्तर से अब हम जा रहे हैं मुक्तांगन की दूसरी कड़ी, मुख्य कड़ी में। और इधर इतना भूल भुलैया लग रहा है ना, हम जिधर भी जा रहे हैं लग रहा है इधर नहीं देखे नहीं देखे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, रास्ता ही पता नहीं चल रहा, पूरा गोल गोल घूम रहे हैं। अब हम फिर से वापस जा रहे हैं, हमको रास्ता ही नहीं मिला, उधर से मिलेगा शायद। देखिए मुन्ना भाई जी के लिए होड़ तोड़ मची हुई है काफी ज्यादा।
वहाँ पे कुछ लेडीज है जो मुनगा भाजी तोड़ रही है। ये वही जगह है जहाँ डिम्पी कपड़ा नहीं पहने करके देख के हंस रही थी और हंसते हंसते गिर गई। उसके बाद बहुत देर जा सब में घूम घूम के जा 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 सबके पास। तो डिम्पी की मम्मी क्या देख रही है, अरे वाह ये देखो चिड़िया ना कितना लगे 60 रुपए 50 में दोगे 50 में दो ले लीजिए 100 लगा लो ये वाला अच्छा लग रहा है। तो अलग अलग खरीद ले। देखो लीजा की मम्मी लीजा के लिए खरीद रही है। क्या है लीजा? चिड़िया बोलो तो क्या है? ये देखिए डिम्पी की मम्मी क्या खरीद रही है सिंपी के लिए। देखो सब अलग अलग ये वाला बाबू ग्रीन को ले एक अच्छा लग रहा है ग्रीन मेरे को। मुक्तांगन घूम ली, अब हम घर वापस जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आज घूमने में क्योंकि मौसम ने हमारा साथ दिया। इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत प्यारा लगा। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।